फ्रेंड्स, वेलकम टू द कौस्तुभ मम्मीज किचन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए क्या है पनीर पकौड़ा की रेसिपी, जो कि हम लोग बहुत ही आसान तरीक़े से बनाएंगे पनीर पकौड़ा। तो बहुत ही आसान तरीक़े से तो बनाएंगे, और वो भी कम सामान में, दोबारा से घर के रखे सामान से ही हम लोग बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पनीर पकौड़ा। तो चलिए रेसिपी देखना हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर पनीर कट करके रख लिया एक प्लेट में। तो बस पनीर को लंबे लंबे स्लाइसेस में इस तरह से कट कर लिया है। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में, और यहाँ पर एक कटोरी मैंने लिया है, और इसके बाद हम लोग डालते हैं यहाँ पर बेसन। तो बस बेसन यहाँ पर नॉर्मल चम्मच से डाल ली, नॉर्मल चम्मच से डाल दिए हैं यहाँ पर 3 चम्मच। तो बस यहाँ पर बेसन डालने के बाद ना इसके बाद हम लोग डाल देंगे नमक। तो बस अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे नमक, और इसके बाद यहाँ पर डाली कसूरी मेथी। तो बस थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दिया, और इसके बाद डाल देंगे बस बहुत ही थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। उसके बाद डाल दिया है धनिया का पाउडर, इसके बाद यहाँ पर हल्दी, और इसके बाद यहाँ पर डाला चाट मसाला। तो चाट मसाला डालने से ना पनीर पकौड़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चाट मसाला और कसूरी मेथी ज़रूर से ज़रूर डाल, तो इससे पनीर पकौड़ा हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो बस यहाँ पर थोड़े थोड़े पानी डाल करके इसका एक हम लोग घोल तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग इसको रखेंगे ठीक, तो आप लोग देख सकते हो इसका थिकनेस, तो आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो एकदम इसका लेयर रखेंगे एक मोटा सा, ताकि हमें हमारी पनीर पकौड़े के ऊपर ना एक परत सा आए बेसन का। तो बस इसका अच्छी तरह से हमारी घोल बन चुकी थी। तो बस इसमें हम लोग डाल देंगे अपना कटा हुआ पनीर। तो बस हम लोग अब इसमें ना कुछ नहीं ऐड करेंगे, तो इसमें हम लोग सोडा वोडा कुछ नहीं डालेंगे। तो बस बिना सोडा का ही बहुत ही आसान तरीके से हम बनाएंगे पनीर पकौड़ा। तो बस यहाँ पर ना डाल दिया है ऑयल गर्म होने के लिए। तो ऑयल हमारी अच्छी तरह से गर्म जब हो जाएगी, तो अब हम लोग डाल देंगे अपनी पनीर पकौड़ा। तो बस यहाँ पर मैंने शाही पनीर पकौड़ा को डाल दिया है फ्राई होने के लिए। तो बस इसको हम लोग फ्राई होने देंगे। तो बस इसका फ्लेम रखेंगे लो टू मीडियम फ्लेम, एक ही बार से हाई नहीं रखेंगे। हाई रखेंगे तो हमारी पनीर पकौड़ा जल जाएगी। तो बस इसको जब आपको लगे कि इसका कलर चेंज हो चुका है, यानी कि गोल्डन ब्राउन कलर इसका आ चुका है, तब हम लोग इसको इस तरह से पलट लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको पलट लिया था। तो बस इसी तरह से सारी पनीर पकौड़ा को चम्मच से पलटा लेंगे। तो ये देखिए सारी पनीर पकौड़ा हमारी बनकर के हो चुकी है रेडी। मैंने निकाल दिया है एक प्लेट में, तो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ पास से। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी ये पनीर पकौड़ा, तो आप लोग जरूर से ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है पनीर पकौड़ा। तो मोस्टली दाल चावल के साथ भी खाया जाता है। अगर आप लोग इसको स्नैक्स के रूप में खाना चाहते हो, तो आप स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हो। तो ऊपर से ना यहाँ पर चाट मसाला मैंने स्प्रिंकल कर दिया है, और बस आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पर चाकू से कट करके। तो ये देखिए एकदम मोटा लेयर आप लोगों को पता चल रहा होगा बेसन का। तो बस इसका घोल का ही देखना जरूरी रहता है, बस इसका अच्छी तरह से घोल बनना चाहिए, तो पनीर पकौड़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर चैनल पर नए आते तो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर देना, ताकि मेरी हर रेसिपी की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।